हाई हाई स्लिट गाउन में रैप पर उतरी मलाइका अरोड़ा। लोगों ने किए बुढ़िया पागल हो गई है जैसे कमेंट। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे 24। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। मलाइका अरोड़ा बुधवार को नई दिल्ली में FTCI इंडिया काउंटर वीक 2022 के अंतर्गत रैंप पर वॉक करती नजर आई। मलाइका अरोड़ा बुधवार को नई दिल्ली में FTCI इंडिया काउंटर वीक 2022 के अंतर्गत रैंप पर वॉक करती नजर आई। इस दौरान डिजाइनर रोहित गांधी और राहुल खन्ना की शो स्टॉपर के तौर पर रैंप पर उतरी 48 साल की मलाइका अरोड़ा ने उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया ब्लैक कलर का सल्फरी और सेंसेशनल शीर थाई हाई स्लिट गाउन पहना हुआ था और वे इसमें कमाल की लग रही थी। हालांकि हमेशा की तरह सोशल मीडिया यूजर्स ने एक बार फिर उन्हें ट्रोल किया है। देखिए फैशन वीक से मलाइका की तस्वीरें और जानिए कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर इवेंट की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन पर कमेंट कर लोग मलाइका का मजाक उड़ा रहे हैं। मसलन एक यूजर ने लिखा, इसको कोई अच्छे कपड़े दे दो प्लीज। एक यूजर ने लिखा, बस जिस्म दिखाना आता है। एक अन्य यूजर का कमेंट है, उसका बेटा 18 साल से बड़ा है, क्या शर्मिंदगी है। एक यूजर का कमेंट है, बुढ़िया पागल हो गई है। एक यूजर ने तो मलाइका को बॉलीवुड की जेनिफर लोपेज तक बता दिया है। बता दें कि FTCI इंडिया काउंटर वीक कोरोना महामारी के कारण बीते 2 साल नहीं हुआ था। अब चूंकि इसने वापसी की है तो फैशन डिजाइनर्स के साथ साथ इनकी मॉडल्स में भी काफी उत्साह है। पिछले दिनों मलाइका अरोड़ा मुंबई में द ग्रे मैन की डायरेक्टर जोड़ी रूसो ब्रदर्स के लिए रखी गई पार्टी में शामिल हुई थी। इस दौरान उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर भी साथ थे। पार्टी में मलाइका और अर्जुन की शानदार एंट्री का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। अर्जुन ने इस खास मौके के लिए वायलेट शर्ट पहनी थी तो वहीं मलाइका पर्पल रंग शॉर्ट ड्रेस में नजर आई थी। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा पिछले 6 साल से डेट कर रहे हैं। दोनों ने 2019 में अपने रिश्ते पर आधिकारिक मोहर लगाई। मलाइका और अर्जुन की शादी के कयास भी अक्सर लगाए जाते हैं, हालांकि अभी तक कपल की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे 24।